दहेज की मांग को लेकर लड़का पक्ष ने तोड़ा रिश्ता। आरोप है कि पुलिस ने तहरीर लेने से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरोला के मोहल्ला अवंतिका नगर निवासी युवती का दहेज की मांग पूरी न होने को लेकर लड़के पक्ष जनपद हापुड़ निवासी ने शादी करने से इनकार कर दिया। बता दें कि मोहल्ला अवंतिका नगर निवासी एक युवती का आरोप है कि मैंने दिसंबर के महीने में अपनी पुत्री का रिश्ता व गोद भराई ऋषि शर्मा पुत्र नीरज शर्मा निवासी श्रीनगर आनंद विहार थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ के साथ किया था। रिश्ता व गोद भराई में 1.5 लाख रुपए का खर्चा बिना मांगे किया था तथा शादी की तारीख 15 मार्च 2021 भी तय हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि शादी की तैयारियां शुरू करते हुए फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं अन्य सामानों की खरीदारी के साथ हलवाई और टेंट आदि को बुक कर शादी के कार्ड तक छपवा लिए। एक सप्ताह पहले ऋषि शर्मा के पिता नीरज शर्मा ने फोन पर मुझसे शादी में स्विफ्ट कार व 2 लाख रुपए नगद देने की मांग की। मैंने स्विफ्ट कार व 2 लाख रुपए नगद देने में असमर्थता जताई तो उन्होंने शादी तोड़ने की धमकी दी। मैंने बिचौलिए से बात की तो बिचौलिए ने भी लड़के वालों का पक्ष लिया। पीड़ित युवती का आरोप है कि लड़के पक्ष के लोगों ने मेरे घर पर आकर शादी से इनकार कर दिया है और मुझे जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो तुमने हमसे रिश्ता किया ही क्यों था। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी कोतवाली गजरोला पहुंचकर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर लेने से इनकार कर दिया है। पीड़िता का आरोप है कि लड़के पक्ष वालों के कोई रिश्तेदार पुलिस में है जिनके दबाव से पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। अलका शर्मा जी, कहाँ रहती हैं आप? गजरोला बस्ती। गजरोला बस्ती कौन से मोहल्ले में? चौहानपुरी में। क्या मामला आया थाने में? सर, ये लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं और हमने इनसे बतेरी मिन्नत करी है, फिर भी हमारी लड़की में ही कमी निकाल रहे हैं ये लोग। क्या लगती है लड़की की? मैं लड़की की बुआ हूँ। अच्छा, और हमने बहुत मिन्नत करी, इनके हाथ भी जोड़े, पैर भी छूने को तैयार। कब किया था लड़की का रिश्ते के? 24 दिसंबर को। अच्छा। हमने कार्ड भी छपवा लिए, सब काम हो गया हमारा, लेकिन इन लोगों ने इस लड़के की चाची कहती है कि दूसरी जगह तुम अपना फैसला कर लो, हमारे दूसरी जगह से रिश्ता आ गया है और जो है हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह से शादी करेंगे। और जब हमें यहाँ थाने में बुलाया है आज, जब तक तो हमारी तरफ की पुलिस वाले कहते रहे, और जब लड़के का मामा आया दिल्ली पुलिस से तो ये उनकी तरफ हो गए, हमारी तरफ। लड़के के मामा दिल्ली पुलिस में है? जी हाँ, लड़के के मामा दिल्ली पुलिस में है, और ये जब ही बदल गए उनके चेहरा देखते ही, इन लोगों ने हमारी कार्रवाई कुछ नहीं करी। अच्छा, थाने में आपकी कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं। अच्छा, तो शादी तय हो गई थी? सब कुछ तय है, मांग भरी हुई है। तारीख की शादी? 15 मार्च। हमारे पास कार्ड भी है छपे हुए, सब कुछ है, हमने तो खरीदारी भी कर रखी है इस चक्कर में। थाने में आए हैं तो क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि अब हमें शादी तो करनी है नहीं, हमें तो फैसला करना है बस। तो फैसले के लिए क्या बोल रहे हैं लोग? वो मना कर रहे हैं, वो हमें ही झूठा बना रहे हैं, हमें ही गलत ठहरा रहे हैं। उषा शर्मा। उषा शर्मा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? गजरोले की। क्या मामला, आप यहाँ पर थाने में आए हुए हैं? मैं थाने में इसलिए आई हूँ कि 10 दिसंबर की हमारी लड़की 24 दिसंबर की गोद भराई हुई, और आप ये कह रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करना, लड़का नहीं है पसंद। लड़के कौन कह रहा है इस बात को? ये लड़के वाले कह रहे हैं, लड़का कह रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? हापुड़ के। हापुड़ के? हाँ। अच्छा, हापुड़ के कौन से गांव के रहने वाले हैं? ये रेलवे स्टेशन के पास के रहने वाले हैं। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं गजरोले के रहने वाली हूँ। कौन से मोहल्ला से? अविंतिका। अविंतिका नगर से। फिर क्या हुआ? तो वो मना कर रहे हैं, 15 दिन हो गए मुझे कि बहन जी आ जाओ, नहीं जी मैं नहीं आऊँगा, कभी लड़के के कमी लड़की, कभी लड़की की गलत है, कभी कुछ ऐसे करते चले आ रहे हैं। और क्या मामला है इससे अलग? ये कह रहे हैं हमें लड़की पसंद नहीं है, हम नहीं कर रहे थे, हमने कही कि हमें जो खर्चा हुआ वो दो, कह रहे हम नहीं देंगे। जब लड़की नहीं पसंद थे तो मेरे गोद भराई, मांग भर दी है, लड़की के फोटो है मेरे पास, सब चीज़ है सबूत, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अच्छा, लड़का क्या करते हैं? लड़के हमसे बताए थे कि जज है। अच्छा, लड़का कुछ नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं अब असलियत खुल कर आ रहे हैं लड़के वाले के। अच्छा, बोले छोटा भाई जज हैं और वो टाइप करता है, बड़ा लड़का जज के नीचे। थाने में कैसे आए आप? थाने में आए, थाने में हमसे दो पुलिस वालों ने कहे कि 2 दिन का टाइम दो दिन का आज बुला के बैठा लिए, पुलिस वाले उनसे मिल गए, धोखा मार का आए हैं जी उनके लिए, पुलिस वाले उनका गा रहे हैं, हमारे कुछ नहीं दे रहे हैं जवाब। आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हो रहा है, मेरा सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए गजरोला से फारूक अली की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।